दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डीडीएम इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंदपुर बनेरा अपर डिस्ट्रिक्ट ऊना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर शिक्षकों और छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ऊना जिला के लगभग हर स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिवर्ष परीक्षाओं के दौर में बच्चों के साथ रूबरू होकर उन्हें तनाव मुक्त रहते हुए परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपयोगी टिप्स देते हैं। एक और जहां शिक्षक वर्ग द्वारा पीएम की इस पहल को सराहा गया है, वहीं परीक्षा के समय चौतरफा दबाव महसूस करने वाले शिक्षार्थी भी इसे काफी कारगर बताते हैं। बच्चों को आजकल सबसे बड़ी समस्या जो फेस करनी पड़ती है वो ये है कि हमें परीक्षाओं के दौरान बहुत सारा तनाव होता है, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है अलग अलग स्कूल का, घर का, कि हमें अच्छे नंबर लेने हैं, जिसमें तनाव एक बहुत आम बात हो गई है। इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चे अपने जितने भी डर है या जितने भी हमारे सवाल हैं वो हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से बात करके हल कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ समय बाद CBSE की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। बोर्ड की परीक्षाएं किसी भी विद्यार्थी के लिए तनावपूर्ण होती हैं। ये जायज़ भी है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं उनके आने वाले भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे की पढ़ाई, बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान आदि इसी पर निर्भर करते हैं कि उन्होंने 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में कितने अंक हासिल किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में एक पहल शुरू की है जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी छात्रों और छात्राओं को तनाव मुक्त परीक्षा दिन के महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शिक्षक छात्रों ही नहीं बल्कि शिक्षकों तथा अभिभावकों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। विभिन्न कोनों देश के विभिन्न कोनों के बच्चे प्रधानमंत्री जी से परीक्षा से संबंधित कई प्रश्न पूछते हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसा मंच है जिससे लाखों छात्र, शिक्षक तथा अभिभावक लाभान्वित होते हैं। जो कार्यक्रम होगा उसमें हम बच्चों को 1 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चों को हम उनका लाइव प्रसारण दिखाएंगे, और इसके साथ साथ हम अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं जुड़े हम उनको भी हमने उसका लिंक भेजा है और उनको हमने अनुरोध किया है कि आप भी इस कार्यक्रम को देखें ताकि आप पेरेंट्स को भी पता चले कि बच्चों को हम कैसे तनाव मुक्त रखें। बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में जो था, बच्चे के जो लिखने की जो कैपेबिलिटी थी, लिखने की जो एबिलिटी थी, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अभी बच्चा जो जैसे हमारी CBSE ने Term 1 जो लिया था वो सारा MCQ में लिया था, और अब जो है वो डिटेल आंसर जो होंगे डिटेल में आएंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सर वैसे नॉर्मल पेपर की तरह आएगा, तो बच्चों को थोड़ी राइटिंग एबिलिटी में उन पर असर पड़ा है और हम उनको कंटिन्यूसली राइटिंग प्रैक्टिस उनको करवा रहे हैं। बिल्कुल सिलेबस काफ़ी कटौती की गई है और उसमें से ऑलमोस्ट 70% सिलेबस ही रहा है, 30% सिलेबस जो है वो डिलीट किया गया है, और उसमें भी हमारे जो CBSE में हुआ है वो Term 1, Term 2 में हुआ है, तो Term 1 में पेपर हो चुका है, रिजल्ट आ गया है, और अब Term 2 के पेपर 26 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। सिलेबस की हर कक्षा में सिलेबस की कटौती अगली कक्षाओं में बच्चों को डोमिनेट कर सकती है। वैसे तो देखो जब वो उसको सिलेबस को काटा, मतलब डिलीट किया गया है, जो उसमें इस तरह के टॉपिक्स को डिलीट किया है जो आगे लिंक्ड नहीं थे, जो क्वेश्चन, जो चैप्टर्स या जो टॉपिक्स हमें अगली कक्षा में रिक्वायर्ड हैं वो क्वेश्चन, वो सिलेबस डिलीट, चैप्टर्स डिलीट नहीं किए गए हैं, मेनली वही किए हैं जिनका ज़्यादा उस पर बच्चों की अगली कक्षा में जिसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पे, तो 2 साल के बाद लेखन शैली के अतिरिक्त और क्या क्या बच्चों में जो है वो अंतर महसूस किए जा रहे हैं? बच्चों में अंतर एक तो अटेंटिवनेस है बच्चे की क्लास में, पहले ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा आराम से पढ़ता था, घर पर कम्फर्टेबल बैठ कर पढ़ रहा है, अब क्लासरूम में पूरी रूटीन में पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर भी थोड़ी बच्चे को मुश्किल आ रही है। एडजस्ट हो गए क्योंकि 2 महीने हो गए हैं स्कूल खुले हुए, तो वहाँ एक तो वहाँ पर थोड़ी आ रही है, और दूसरी एक बच्चों को में जो मोबाइल की आदत है
वो भी रही है। तो आप एकदम अपने आप को मोबाइल से दूर करना, क्योंकि हमारे हॉस्टल्स में, हमारे क्लासरूम्स में मोबाइल अलाउड नहीं है। तो एकदम अपने आप को उससे, मोबाइल से दूर करना, वो बच्चे के लिए थोड़ा कठिन है, पर धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स भी सहयोग कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, और हमारा तो सहयोग उनके साथ है ही। दो साल पहले तक मोबाइल या अन्य कहता था, लेकिन दो साल में वही उनके मित्र की भूमिका में रहे हैं, तो अब एकदम से जो उनको से जुदा किया जा रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव? नहीं, बच्चों के मस्तिष्क पर प्रभाव तो पड़ता ही है। बच्चों तो, पर देखो, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। पहले हमने आपको अपने आप को ऑनलाइन के अनुसार ढाला, अब हमें ऑफलाइन के अनुसार ढालना पड़ेगा। उसमें समय लगता है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चे ढल जाएंगे, टीचर्स भी ढल जाएंगे और बच्चे भी ढल जाएंगे, और बहुत हद तक बच्चे ढल चुके हैं। परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही यूनिक कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ जुड़ते हैं, और आज के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे, सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन लेते रहे हैं पैंडमिक टाइम में, और उसमें आज बच्चों में बहुत तनाव है कि हमारे पेपर कैसे होंगे, हम कैसे करेंगे, तो हर बच्चा तनाव के दौर से गुज़रता है। और ये बहुत अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उनको तनाव मुक्त पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए अपनी छोटी छोटी टिप्स देते हैं। ये बच्चों के लिए फ़ायदा भी देती है और उनको एक बड़ा अंदर से हौसला मिलता है कि इस समय में हमारे पूरा देश हमारे साथ है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा में जब अपना बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा उसका बच्चों को रिज़ल्ट मिलेगा और बच्चे तनाव मुक्त एग्ज़ाम दे पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। जिला ऊना के नामी शिक्षण संस्थान डीडीएम इंटरनेशनल स्कूल गोनपुर बनहेड़ा अपर में नए सत्र हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत नर्सरी से प्लस टू कक्षा तक नॉन मेडिकल, मेडिकल एवं कॉमर्स संकाय में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसमें विद्यार्थी स्कूल आकर दाखिला ले सकते हैं। एडमिशन हेतु जानकारी के लिए उनके नंबर 9418118568 पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन होते ही विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, ताकि विद्यार्थियों का कोरोना वायरस की वजह से कीमती समय बर्बाद न हो। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूल में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अत्याधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब के साथ साथ ई लाइब्रेरी और योग्य एवं अनुभवी अध्यापक उपलब्ध है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मुकाबला कर सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।